आज हम माननीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब को एक छोटा सा ज्ञापन देने आए हैं। अजमेर एक सद्भावना का शहर है, यहाँ पे कई धार्मिक स्थान हैं, जिसमें एक प्रमुख स्थान राजगढ़ मसानिया भैरव धाम, जो हिंदुस्तान में आस्था का प्रमुख आस्था का केंद्र है। वहाँ के जो प्रमुख उपासक है चंपालाल जी महाराज, उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक हमला किया था। वो कार्यवाही तो हो रही है लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से हो रही है, तो वो उसके बारे में ही हम आज माननीय एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मिल के आए कि ऐसा कोई जो अपराधी किस्म के जो व्यक्ति हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए, यही हमारा उद्देश्य है आज। ये राजगढ़ मसानिया भैरव धाम जो है राजगढ़ के अंदर, वहाँ से और अजमेर के बीच में जब वो लौट रहे थे अपनी उपासना पूरी करके, वो पद्धति को पूरा करके, तब वो रास्ते के अंदर उनके ऊपर इस प्रकार का हमला किया गया। प्रकाश जैन, अध्यक्ष सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर। राजगढ़ भैरव के परम उपासक जो कार्यकर्ता धरता चंपालाल महाराज पर प्राणघातक जो हमला हुआ है 3-4 तारीख को, वो निंदनीय है और कलेक्टर साहब एसपी साहब को इसी उद्देश्य को रखते हुए ज्ञापन सौंपने आए कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और उनको पकड़ा जाए। इस तरह की घटना से धार्मिक उन्माद फैल सकता है, क्या विरोध हो सकता है, इसीलिए सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं और एक गद्दी को चलाने वाले हिंदू धर्म की एक प्रमुख शाखा है, इस तरह की निंदा करता है। कलेक्टर एसपी साहब को तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, इसी के लिए हम लोग सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जल्द से जल्द महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य नरसिंह मंदिर अजमेर।